इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए, तो ये WTI क्रूड की बात हुई, फटाफट से अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। और बेस मेटल्स की बात करें तो यहाँ हमने थोड़ी सी स्ट्रेंथ अब सस्टेन होते हुए देखी है। कॉपर 700 के ऊपर होल्ड कर रहा है, जिंक में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। एज अ पैक अनुज की राय लेंगे, लेकिन पहले चार्ट्स पर राय ले लेते हैं, खासतौर से जिंक और कॉपर के। विकास से, विकास बताइए इन दोनों बेस मेटल्स पर क्या व्यू है इस तरह से नियर टर्म में, जिंक और कॉपर। जी, अगर कॉपर में नियर टर्म की बात करूं तो कॉपर का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। डेली चार्ट्स में ये बार बार 700 के करीब सपोर्ट ले रहा है अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास में, और वहां से बाउंस दे रहा है। बट अपर साइड में अगर देखें तो 715 और 716 का जो जोन है वहां पे ये रेजिस्टेंस भी क्लॉक कर रहा है। बट वैसे टेक्निकल चार्ट्स बहुत अच्छे, तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी कॉपर में। अगर थोड़ा सा डिप्स मिलता है 708 709 के करीब पे तो कॉपर में पोजीशन बनाना चाहिए, 705 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हायर एंड में 715 अगर ये क्रॉस कर जाता है तो 719 और 723 तक ये जा सकता है कॉपर। और वही अगर जिंक की बात करूं दीपाली जी, तो जिंक देखिए ऑलमोस्ट ये काफी हद तक नीचे से काफी चला भी है एंड चार्ट अभी भी बहुत ही रोबस्ट है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है 235 236 के जोन पे, अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो 241 44 का घर ये इजीली दिखा देगा। तो जिंक में भी मेरे को लगता है कि बाई ऑन डिप्स रखना चाहिए। 228 229 के करीब मिलता है तो 226.50 का स्टॉप लॉस पे इसको बाई करना चाहिए। ओके, चलिए, ये राय रही आपके लिए जिंक पर 233 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। चलिए।